आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। रायपुर में खरीफ फसलों की उत्पादन लागत और उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई राज्यों के कृषि विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिक सहित किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। वहीं कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि सभी राज्यों की सहमति और किसानों की मांग पर केंद्र सरकार को समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र सरकार से हम लगातार उनको चिट्ठी लिखते रहे हैं और हम उनसे मांग करते रहे कि धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय होता है, इसलिए निर्णय करना केंद्र सरकार और केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग का काम है, परंतु हम अपना काम लगातार कर रहे हैं कि धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। बहराइच में स्थित एक इंटर कॉलेज के विशाल मैदान में खिलौना बैंक की स्थापना समारोह का बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री अनुपमा जायसवाल द्वारा शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र को खिलौना दान किए गए। वहीं मंत्री अनुपमा जायसवाल ने जानकारी दी कि कुपोषण से लड़ने के लिए खिलौना बैंक और सुपोषण रथ की शुरुआत की जा रही है। सुपोषण रथ अभियान आज यहां से शुरू किया गया, जो जनपद के सभी ब्लॉकों में जाएगा, गांव-गांव जाएगा और सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित होगा। पहले से जानकारी रहेगी, गांव में जहां जाएगा वहां चौपालें लगाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा बहुओं के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी, ताकि वो कुपोषण से मुक्त हो सके। इसके साथ ही साथ आज एक खिलौना बैंक का भी आज यहाँ उद्घाटन किया गया, कि जो हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको संपन्न लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं जो भी चाहें, वो नए या पुराने खिलौने डोनेट कर सकते हैं, जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों को एक आकर्षक रूप प्रदान करेंगे और बच्चों को खेलने के लिए खिलौने मिलेंगे। आगरा में विदेशी पर्यटकों की बात समझने के लिए पुलिसकर्मियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने एक नई पहल शुरू की, जिसमें अंबेडकर विश्वविद्यालय के सहयोग से विदेशी भाषा के कोर्स में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कुलपति ने बताया कि विदेशी पर्यटकों के साथ संवादहीनता ना हो, इसके लिए यह पहल की गई है। जो विदेश से यहां पर पर्यटक आते हैं उनके साथ संवादहीनता न हो, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो अपना पर्यटन की दृष्टि से एक पहल की है, विश्वविद्यालय भी इसमें अपना सहयोग करेगा कि यहाँ इनको प्रशिक्षण दे करके भाषा संबंधी जो विदेशी भाषा रशियन, फ्रेंच, चाइनीज ऐसी जो भाषाएं हैं जिनके यहाँ पर पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं, विश्वविद्यालय अपने सामाजिक दायित्व के तहत इन सबको प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा। जहां एक तरफ योगी सरकार अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए यूपी कोका जैसे कड़े कानून ला रही है, वहीं आगरा में ऑनलाइन सट्टे का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है, जहां मनोरंजन विभाग के कागज के आधार पर पुलिस की तानकाट से गरीब मजदूर और रेडियो वालों को खुले में लूटने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि इन मामलों पर पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वाराणसी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और सीएम योगी का कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल जा रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा अमित शाह को जस्टिस लोया का हत्यारा बताते हुए विश्वविद्यालय का भगवाकरण करने का आरोप लगाया जा रहा है। बांदा में एडीओ पंचायत का शव उनके सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पर प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया, वहीं डीएम और एसपी समेत सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दूसरी तरफ मृतक एडीओ के परिजनों के आने तक इस मामले में अधिकारी जाँच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। एक तरफ जहां सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाए हुए है, वहीं हापुड़ के शाहपुर जाट गांव के प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से स्कूल में साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। बलिया का राजकीय आईटीआई विद्यालय सरकार के दावों की पोल खोलता नजर आया, जहां शौचालय नहीं होने से छात्रों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि विद्यालय में बना शौचालय कबाड़घर नजर आता है। हालांकि प्रधानाचार्य का कहना है कि विद्यालय के शौचालय का कार्य चल रहा है, जिस कारण छात्राएं कार्यालय के शौचालय का उपयोग करती हैं। कई दिनों से एटा महोत्सव की तैयारियों को नया रूप देने में लगे जिलाधिकारी और प्रशासन ने तैयारी को अंतिम रूप प्रदान करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद सहित कई अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार कई फिल्मी कलाकार भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम में सभी से सहयोग करने की बात कही है।
मथुरा में एक दर्दनाक हादसे में सेना के जवान की मौत हो गई। देहरादून में तैनात मृतक फौजी छुट्टी खत्म होने के बाद वापस ड्यूटी पर जा रहा था। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक को पार करते समय फौजी अचानक आई ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कर परिजनों को सूचित किया, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव नगर पालिका में बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि बैठक में भाजपा पार्षदों ने नगर पालिका में अध्यक्ष पति के अनावश्यक हस्तक्षेप को लेकर आपत्ति जताते हुए दस्तावेज सीएमओ को दिए, जिसके बाद सीएमओ द्वारा फाइल फेंक किए जाने पर माहौल गर्म आ गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।